ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के मामले में आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को कुश्ती संघ से किया अलग, संन्यास लेने की कही थी बात। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अगले आदेश तक निलंबित करते हुए कहा, नई संस्था पूरी तरह पुराने पदाधिकारियों के रिमोट कंट्रोल थी। खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह के लिए सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक कुश्ती संघ की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखकर 24 घंटे के अंदर एक एडहॉक कमेटी बनाने के लिए कहा। समिति में 3 सदस्यीय पैनल होगा। बजरंग पूनिया ने कहा, मैंने अपना पद्मश्री सम्मान बहन बेटियों के सम्मान के लिए वापस लौटा दिया। जब तक इंसाफ नहीं मिलता मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। खेल मंत्रालय के फैसले का साक्षी मलिक ने की मां सुदेश मलिक ने स्वागत किया। उम्मीद है कि साक्षी मलिक रेसलिंग में वापसी करेंगी। WFI सस्पेंशन पर बोली साक्षी मलिक, ये पहलवानों की बेहतरी के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 2:30 नए मंत्री राजभवन में शपथ लेंगे। 15 से 18 लोगों का होगा मोहन यादव का मंत्रिमंडल। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से आज मुलाकात का वक्त लिया है। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, आज सदैव अटल पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। आज PM मोदी समेत तमाम बड़े नेता जाएंगे समाधि स्थल सदैव अटल। सुबह 8:45 पर प्रार्थना सभा होगी। CM योगी आज आगरा और मथुरा को देंगे सौगात। आगरा से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज के हवाई दर्शन की शुभारंभ भी करेंगे। बटेश्वर तीर्थ धाम में वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संसद में व्यवधान के मुद्दे पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया है। आज आधिकारिक आवास पर बातचीत होगी। इंदौर में हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम में आज वर्चुअली शामिल होंगे PM मोदी। 30 साल बाद मजदूरों को मिलेगा उनके हक का बाकी पैसा। प्रधानमंत्री मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का विमोचन करेंगे। विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जाएंगे राजौरी, घटनास्थल और फॉरवर्ड लाइन का दौरा करेंगे। 30 साल पहले तैयार हुआ था राम मंदिर का मॉडल, उसी डिजाइन के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। चंपत राय का बयान, बोले हिंदुस्तान में जितनी लड़ाई देश की आजादी के लिए हुई होगी वैसी लड़ाई राम जन्मभूमि के लिए हुई। बिहार के औरंगाबाद में आरक्षण के मुद्दे पर RJD MLC प्रोफेसर राम बलि सिंह ने अपनी सरकार पर बोला हमला। कहा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही पिछड़ों का हक मार रहे। RJD के MLC बोले नीतीश ने कर्पूरी के अति पिछड़ों का गला काट दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर हमला, बोले इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं वो, ED और CBI के डर से बजा रहे अपना ढोल। बिहार में आ गया है जंगल राज। सिवान में AMIM के नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा। आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार का दौरा है, आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने लगाया जय यादव जय माधव जय श्री कृष्ण का नारा। मुंबई में आयोजित गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीय और मराठी को दूध और शक्कर जैसा बताया, पूछा दूध में कौन मिला रहा है नमक। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। कार्यकर्ताओं के सामने नकल उतार कर कहा धनखड़ का इतिहास सबको पता है। कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद का विवादित बयान, BJP को अंग्रेजों का जूता चाटने वाला बताया। BK हरिप्रसाद के बयान पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कांग्रेस पार्टी की हालत जूते से भी बदतर है। दिल्ली में कश्मीर से आए बच्चों से मिले PM मोदी, 1-to-1 बातचीत हुई। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत कश्मीरी बच्चे दिल्ली आए हैं। देश विदेश में क्रिसमस की धूम है। दिल्ली UP से लेकर मुंबई तक जश्न में डूबे लोग, खूबसूरत रोशनी से सजाए गए हैं चर्च। आकर्षण का केंद्र बनी वेद कलाकार सुदर्शन पटनायक की मूर्ति। पूरी ब्लू फ्लैग समंदर के तट पर बनाई सेंटा क्लॉज की विशाल मूर्ति। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में की गई प्रार्थना, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता के कैथेड्रल ऑफ द मोस्ट होली रोजरी में पहुंची CM ममता बनर्जी, क्रिसमस की प्रार्थना में शामिल हुई। 303 यात्रियों के साथ आज फ्रांस से उड़ान भरेगा विमान। मानव तस्करी की आशंका के बाद बीच में ही रोक लिया गया था प्लेन। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच अब भी बमबारी और गोलीबारी जारी है। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने लड़ाई का वीडियो जारी किया है। सेंट्रल गाजा में शरणार्थी शिविर पर इसराइल ने दागी मिसाइलें, कई बिल्डिंगें जमींदोज हुई, कम से कम 60 लोगों की जान गई। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में लव फेस्ट भोजन वितरण का आयोजन हुआ। हरे कृष्ण भक्तों ने 1000 लोगों को खाना खिलाया। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में हराया, 8 विकेट से मात दी।